हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के और एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं बायोलॉजी के, अगर आपने नहीं देखा है तो हाल फिलहाल के जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए उन सभी टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि हम छोटे से वीडियो में आपको वही चीज़ देने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में लगभग पूछा जाएगा। देखिए, आज के इस टॉपिक को हमने बहुत शानदार तरीके से डिवाइड किया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। पादप जगत का वर्गीकरण बेसिकली आप देखोगे तो इस तरह से किया जाता है। पादप जगत का वर्गीकरण दो भागों में, एक तो आपका क्रिप्टोगैमी और एक होता है आपका फैनेरोगैमी, ठीक है, यानी अपुष्पीय पौधे, और एक होता है पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे के अंतर्गत तीन भाग होते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पता है आपको कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, जो कि आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो और फिलहाल हम भी नहीं हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट करके रखा है। जैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत जो सवाल आता है, इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू, यानी छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको इन सभी पॉइंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हम क्या बात करने वाले, क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत जो हमारा थैलोफाइट आता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत सवाल आते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस किए हुए, राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट, जो कि अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे हम किसे कहते हैं? अपुष्पी पौधे यानी इस टाइप के जो पौधे होते हैं, यानी इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, इसमें ना तो पुष्प होता है और ना ही बीज होता है, इनको हम लोग रखते हैं क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत, ठीक है। क्रिप्टोगैमी का मतलब अपुष्पी पौधे, यानी इसमें ना तो पुष्प होते हैं और ना ही इसमें बीज होता है, राइट। अब इनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैलोफाइटा के अंतर्गत ये सब चीज़ों को शामिल किया जाता है, सैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु, ये सब आते हैं। तो थैलोफाइटा जो है वो क्या है, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ध्यान दीजिएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। इसमें पौधे जो होते हैं वो जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होता। संवहन ऊतक क्या होता है? जैसे संवहन ऊतक हम उसे कहते हैं जब किसी, जैसे कि जो पौधे होते हैं ना, अपना भोजन तैयार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, तो इनमें ये चीज़ नहीं होता है, संवहन ऊतक का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा में। और ये हमारे वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह के अंतर्गत आते हैं, यानी सबसे बड़ा जो साम्राज्य रखे हुए वो हमारा यही है, थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह इसके अंतर्गत आता है। तो ये तो चीज़ क्लियर होगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि ये संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है, राइट। अब देखिए, थैलोफाइटा को सवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकिन आदि का असंगत जीवों का समूह माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थैलोफाइटा के अंतर्गत सवाल, कवक, लाइकिन, जीवाणु आते हैं, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिख रखा है, जैसे आप देख पाएंगे कि थैलोफाइटा को सवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकिन आदि का असंगत जीवों का समूह माना जाता है। इस समूह में वे पादप आते हैं, इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है, यानी कि अच्छे तरीके से विकसित, अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं होता है, उनको रखा जाता है थैलोफाइटा के अंतर्गत, राइट। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको कथन टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके पीसीएस एग्जाम्स में, खास करके आपका अब रेलवे में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कथन टाइप के पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट सवाल के बारे में, जिसको हम लोग अलगी के नाम से भी जानते हैं, सवाल। देखिए, सवाल, सवाल क्या होता है? तो सवाल एक प्रकार का स्वपोषी होते हैं। अब ये स्वपोषी शब्द क्या है? स्वपोषी का मतलब अपना भोजन खुद से तैयार करना, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी सवाल जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। जब ये जलीय पौधे और जीवों पर उगते हैं तो इन्हें हम लोग अधिपादपी सवाल कहते हैं। बेसिकली सवाल आपने देखा होगा कि कई जगह पे आपको देखने को मिलता है, नदी में, तालाब में, पेड़ पर, पहाड़ पर, पौधों पर, अलग अलग जगहों पर आपको सवाल देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया कि जब ये जलीय पौधे, ध्यान दीजिएगा, जब ये जलीय पौधों और जीवों पर उगते हैं तो इन्हें हम लोग अधिपादपी शैवाल कहते हैं। अधिपादपी शैवाल के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं एनाबिना शैवाल ही होता है, नॉस्टॉक शैवाल ही होता है, समुद्री एनोमोन जो होता है एनीमोन, ये भी आपका शैवाल ही है। तो ये सभी अधिपादप शैवाल के उदाहरण माने जाते हैं, अधिपादप शैवाल के उदाहरण माने जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शैवाल कवक के साथ जब संघ बनाते हैं, शैवाल कवक के साथ जब संघ बनाते हैं तो उसे लाइकेन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है कि लाइकेन क्या होता है, तो कवक और शैवाल का जब मिश्रण होता है तब हम यहाँ पे कहते हैं कि वो लाइकेन होता है। और लाइकेन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट लाइकेन, ठीक है। तो फिलहाल लाइकेन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल एक प्रकार के स्वपोषी हैं, अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। जब ये जलीय पौधों या फिर जीवों पर उगते हैं तो इन्हें हम लोग अधिपादपी शैवाल के नाम से जानते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि इसके उदाहरण के रूप में एनाबिना, नॉस्टॉक, समुद्री एनीमोन, ये सभी अधिपादप शैवाल के उदाहरण माने जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि जो आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन जो प्राप्त होता है वो किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो कल्प शैवाल से ही आयोडीन प्राप्त होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में इस्तेमाल में आने वाला एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल का प्रयोग खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल का इस्तेमाल खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक और शैवाल आता है जिसका नाम है अल्वा, ठीक है। अल्वा, इस शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे समुद्री सलाद के रूप में जानते हैं। तो चार प्रकार के शैवाल के नाम आपको दे दिया जाएगा, एनाबिना हो जाएगा, नॉस्टॉक हो जाएगा, समुद्री एनीमोन हो जाता है, और एक अल्वा रहेगा। तो फिर आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि किसे हम लोग समुद्री सलाद के नाम से जानते हैं, अल्वा को, ठीक है। अब इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला के बारे में आपको पता होगा कि एक प्रकार का शैवाल ही होता है और इसमें 70% से ज़्यादा प्रोटीन होता है और बाकी जो हिस्सा होता है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी के 30%, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में इसमें प्रोटीन होते हैं। और इस कारण से अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं इनका इस्तेमाल भोजन और ऑक्सीजन के लिए भी करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं भोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन और ऑक्सीजन के रूप में करते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लोरेला होता है, आपको पता होगा, मुझे बताने की फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट्स मैंने और रखा है। जैसे शैवाल में विटामिन होते हैं, शैवाल में कौन कौन से विटामिन मिलता है, तो A, B, C और E, यानी कि चार प्रकार के विटामिन शैवालों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक होता है डायटम नामक जो शैवाल होता है, इसका इस्तेमाल डायनामाइट बनाने में भी किया जाता है। डायटम नामक शैवाल का इस्तेमाल डायनामाइट बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे देखेंगे स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा तालाबों का रेशम कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना कि भारत में स्पाइरोगाइरा नामक जो शैवाल होता है इसका इस्तेमाल खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्पाइरोगाइरा तालाबों का रेशम के नाम से जानते हैं, तालाबों का रेशम। इन सभी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका ये है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, फाइकोलॉजी। ये चीज याद रखना है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपका बन जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने शैवाल को कवर किया, इसके बाद हम देखेंगे कवक, लाइकेन, जीवाणु, और इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद हम आएंगे फेनरोगेमी यानी पुष्पीय पौधे के अंतर्गत जो
अनावृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनके बारे में यानी कि जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हम लोग कवर करते, छोटे छोटे वीडियो के थ्रू करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा लंबा ना लगे, ज़्यादा बोरिंग ना लगे और हर चीज़ को आप बारीकी से समझ पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।